सोमवार को नवीन कलेक्ट्रेट में बहुजन संघर्ष दल ने संविधान जलाने के विरोध में एसडीएम यतेंद्र सिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन से पूर्व बीएसडी कार्यकर्ता व नेता नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान जलाने वाले के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर संविधान जलाने वाले को कठोर दंडात्मक कार्रवाई कर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। 9 अगस्त को भारतीय संसद भवन के दरवाजे पर भारतीय संविधान को जलाया गया था। इस कृत्य को बीएसडी नेताओं ने इसे बेहद शर्मनाक देशद्रोह अपराध बताया है। ज्ञापन देने वालों में नारायण सिंह बोध, राम सिंह बघेल, जगन्नाथ अहिरवार, ठाकुरदास चौधरी, अरविंद जाटव, सुरेंद्र गौतम, सुदेश, अमित केन, संजू दांगी, धर्मेंद्र आदि शामिल रहे। देशद्रोहियों ने, इन मनुवादियों ने 9 तारीख को ने जंतर मंतर पर संविधान को जलाया है। इसका हम विरोध करते हैं कि भारतीय संविधान को जलाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये भारत के नहीं हैं, किसी अन्य देश के लोग हैं, इन्होंने ये संविधान को जलाया है। हम तो संविधान पर आस्था करने वाले लोग हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग संविधान बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो हम इसके लिए पुरजोर विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम सब तरह से, हम लोग तन मन धन और हम अपने हर त्याग के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम संविधान के सम्मान में सब लोग हम जान लगाने तक के लिए तैयार हैं। किसने संविधान जलाया? आपका निशाना किस पर है? आप किस पर निशाना साध रहे हैं? ये संविधान विरोधी जो लोग भी है, संविधान विरोधी जो भारत में संविधान को नहीं मानते हैं और मनु संविधान लागू करना चाहते हैं, उन लोगों की ये हरकत है। मौजूदा सरकार से कोई अपेक्षा है? आज सरकार, मैं तो कहूंगा सरकार से हमारे लोगों की सभी की मांग है, ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह के मुकदमा दर्ज कराया जाए और तत्काल इनको गिरफ्तार किया जाए।